सोलन अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को लेकर युवाओं का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 7 दिनों से वह आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार के कानों पर जों तक नहीं रेंग रही है। तो उन्होंने अब शहर में रोष रैली निकालकर स्थानीय लोगों से अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर एकजुट होने का आह्वान किया और उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया कि वह वास्तव में शहर की जनता के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं। इस मुहिम में युवाओं को सोलन जिले से ही नहीं बल्कि सिरमौर और शिमला के लोगों का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है और वह भी इन युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अगर जल्द प्रदेश सरकार ने इन युवाओं की ओर ध्यान नहीं दिया तो ये एक बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। इस मौके पर रोष रैली निकालते हुए भासुमा सोलन के महासचिव मनोज रघुवंशी ने कहा कि वह अंतिम सांस तक सोलन की जनता के लिए लड़ते रहेंगे और जब तक प्रदेश सरकार सोलन अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध नहीं करवाती है तब तक उनका ये अनशन यूं ही जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अनशन करते हुए 7 दिनों से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार ने कोई भी आश्वासन उन्हें नहीं दिया है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्हें सोलन की जनता से कोई लेना देना नहीं है। आज जो रैली निकाली है हमने, सोए हुए प्रशासन को जगाने के लिए रैली निकाली है, क्योंकि 7 दिन हो गए भूख हड़ताल पे बैठे बैठे, कोई अभी तक सुनवाई पे नहीं आ रहा है। हमने सोचा क्या पता इस रैली से सुनवाई पे आ जाए, तो हमारा मोटिव यही था रैली निकालने का, एक शांत रैली निकाली है हमने ताकि लोगों को पता लग सके कि लोग आमरण अनशन तक पहुंच चुके हैं, अनशन पे बैठे हैं हॉस्पिटल में और उन्हीं के लिए बैठे हैं। मेरी लोगों से यही अपील रहेगी, वो अधिक से अधिक आए और हमारा सहयोग दें, और ताकि ये जो हमने मुद्दा उठाया है वो आपकी ही भलाई के लिए उठाया है, वो सभी के लिए है। और सभी को पता है कि डॉक्टरों की संख्या कम है, ताकि डॉक्टर जल्द से जल्द यहाँ पे आ सके। अनशन के चलते युवाओं को शहरवासियों का अपार समर्थन मिल रहा है, जिसे देखकर भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है। यही वजह है कि रात के अंधेरे में उन्होंने प्रदर्शन पर बैठे युवाओं का वहां से खदेड़ने का पूरा प्रबंध कर दिया था और युवाओं को वहां से उठाने की चेतावनी तक दे डाली थी, लेकिन लगातार बढ़ती युवाओं की संख्या ने उन्हें उनके इरादों पर कामयाब होने नहीं दिया।